ये जन विश्वास है। जन का मतलब आप, विश्वास का मतलब भरोसा। आपका भरोसा हमारे नेता तेजस्वी यादव पर है कि नहीं है, यह साबित करना है। यह नेता जिसका उम्र 30 से 35 साल का हो और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला व्यक्ति है जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी ने 70 दिन में 2,00,000 लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया, श्री तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का काम किया। हम सीतामढ़ी के धरती से श्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आपने 3-4 बड़े काम किए हैं 17 महीने में। 17 महीने में 5,00,000 लोगों को आपने सरकारी नौकरी दी है। 17 महीने में 4.5 लाख शिक्षकों को आपने संविदा पर बहाल शिक्षकों को सरकारी कर्मी के दर्जा देने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। 17 महीने में आपने 1 करोड़ परिवार को, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का, सरकारी मदद देने का तय कर रखा है, योजना बना दी है। 17 महीनों के अंदर आपने जातीय गन्ना करा दिया, आर्थिक गन्ना कर दिया, सामाजिक गन्ना कर दिया, और ये बिहार को पता चल गया कि किस जाति के लोग मेहतर है, महिला उठाने का काम करता है, किस जाति के लोग ठेला चलाते हैं, किस जाति के लोग मंदिर में पूजा कराते हैं और किस जाति के लोग जमीन कुदेर के कुरेदते हैं, खेती करते हैं और हमारा पेट भरते हैं, ये सब पता आपने 17 महीनों में लगा लिया। आपने 17 महीनों में 50% से नीचे के आरक्षण के सीमा को संविधान संशोधन करके 75% पर ले जाकर के पूरे देश में एक मिसाल पैदा करने का काम किया है। आपने 17 महीनों में विकास मित्र के मानदेय को दुगुना कर दिया, टोला सेवक के मानदेय को दुगुना कर दिया, आशा दीदी को 1,000 से 2,500 कर दिया, आपने आंगनबाड़ी सेविकाओं के भी मानदेय में वृद्धि कर दी। आपने क्या नहीं किया 17 महीनों में? आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर दिया बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। श्री नीतीश कुमार जी के साथ में काम कर चुका हूं मैं, उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो व्यक्ति ऊपर से जितना सरल भाव में बोलता है, भीतर में उतने ही उस व्यक्ति के मन में कालिख रहता है, भीतर में कपट, छल और प्रपंच रहता है। ये 17 महीनों की लोकप्रियता देखकर श्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने ये तय कर लिया कि अगर ये आदमी 1.5 साल और बिहार में डिप्टी सीएम रह गए तो ऐसा हो सकता है कि यह आदमी अकेले बिहार झारखंड से कुछ करेगा और दिल्ली के सत्ता पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये 1.5 साल में 10,00,000 लोगों को नौकरी देगा। ये 1.5 साल और बचा है विधानसभा में, इसमें 10,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा, 10,00,000 लोगों को रोजगार दे देगा। अगर 20,00,000 लोगों को नौकरी और रोजगार मिलती है तो सीधे 1 करोड़ परिवार प्रभावित होता है। ऐसा काम भारत के इतिहास में कोई नेता ने नहीं किया। रातों रात नीतीश कुमार जी ईडी और सीबीआई के भय से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के चंगुल में फंसते हैं और एक तरफ हमारे नेता से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रहा है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लेते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं सीतामढ़ी के भाई, ये ऐतिहासिक धरती है, इस धरती से हम आपको कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार आपको दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोग जैसे लोग आपके सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। या वोट नौकरी बांटने के लिए है या अछत बांटने के लिए है, या वोट गरीबों को उठाने के लिए है कि गरीबों के हाथ में तलवार थमाने के लिए है, या आपको तय करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपने 5 साल मुझे मौका दिया था, महज 5 साल आपकी सेवा की थी। आप सब मालिक हैं, यहाँ पर 50,000 आदमी खड़े हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के 77 साल में
सबके काम को गिन लीजिए और आपका ये छोटा सिपाही के 5 साल के काम को गिन लीजिए, अकेला भारी नहीं है तो फिर मेरा राजनीत करना बेकार है। हम आपसे कहना चाहते हैं, दो बार चुनाव हारने के बाद भी हमने पीठ नहीं दिखाया, लेकिन 10 साल से मोदी जी के नाम पर आपने वोट दिया, दो प्रतिनिधि चुना, विकास तो छोड़ दीजिए, वो आपके बीच में आना भी उन्हें मुनासिब नहीं लगा, 10 साल से गायब हो गए। अगर मौका मिला होता तो आज सीतामढ़ी देश और दुनिया में स्थापित हुआ होता, यहाँ हवाई अड्डा बनना था, हमने प्रस्ताव दिया था हवाई अड्डे का, चुनाव हार गए, जमीन अधिग्रहण की बात चल रही थी, हवाई अड्डा दरभंगा चला गया, हमने प्रस्ताव दिया था एम्स के लिए, चुनाव हार गए, दरभंगा चला गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यह विकास के रथ को अगर कोई रोकता है तो दूसरा कोई नहीं है, ये आप मालिक हैं। आप अगर जात और धर्म से आगे निकल करके विकास के रथ पर सवार होते हैं और तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हैं, तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 5 साल में सीतामढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, एम्स होगा, IIM होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, नदियों में डैम बियर बेराज होगा और सीतामढ़ी जगत जननी सीता की धरती का परचम पूरे दुनिया में लहराएगा। आपके वोट में इतनी ताकत है। बहुत लोग घूमते हैं और कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं दूसरे स्टेट में। व्यापार करो, जनता का व्यापार मत करो। हम आपसे कहना चाहते हैं सीतामढ़ी के लोग, अरे एक नारा लगाओ, सीता जय जय सीता, हर हर सीता। अरे हम इस धरती को दुनिया में पहुंचाए, कोई धरती पर तनाव पैदा करता है, हम यहां से जय जय सीता का नारा लगा करके नारी सम्मान को पूरे दुनिया में स्थापित करेंगे, यही हमारा नारा होगा। तो मैं सीतामढ़ी के भाइयों आपसे बताना चाहता हूं कि आपके नेता 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आदरणीय पूर्वे जी को बोलना है, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सब तेजस्वी यादव के साथ हैं कि नहीं हैं? आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले कि ना मिले? आप चाहते हैं कि महिला ढोने वाला और खेत में काम करने वाला का सम्मान बढ़े कि नहीं बढ़े? तो एक बार हाथ उठा के कहिए, तेजस्वी तुम्हारे साथ है, तेजस्वी यादव संघर्ष करो, सीतामढ़ी आपके साथ है। इन्हीं संकल्प और विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, एक नई बयार की शुरुआत इस चक्कर मैदान से शुरू करना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हमें 40 में 40 सीट बिहार में जीतना है और जो जाति और समीकरण के गोलबंदी को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी जिंदाबाद। पूर्व विधायक जिंदाबाद।